हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस भाई सदैव सर चैनल इधर है। आइए, हमने बच्चों के लिए, अपने चहेते छात्र छात्राओं के लिए, इस देश के भविष्य बच्चों के लिए कुछ दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है, ताकि मेरे बच्चे परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर कैसे भमोर सके, अधिक से अधिक कैसे नंबर हासिल कर सके, इसके लिए मैंने कुछ नियमों का निर्धारण किया है। और मैंने लिखा है 10+2+3 के परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, लेकिन सिर्फ 10+2+3 तक ही सीमित नहीं है। यह जो नियम हमने बनाया है वह किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लाभदायी है। तो आइए अब हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने लिखा है, जब परीक्षा हॉल में जाने की बात हो तब की बात है, शेर की तरह जाना है, बादशाह की तरह बैठना है और बड़े विजेता की तरह लौटना है। और मेरे कहने का भाव यह है कि जब भी परीक्षा हॉल में जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजेता को देखकर परिस्थितियां भी थर्राती है, परिस्थितियां भी विजेताओं को देख करके डरती है। इसलिए आप निर्भीक होकर जाए, अर्थात बादशाह की तरह बैठ जाए, बैठे और बड़े विजेता की तरह लौटे। लेकिन अब प्रश्न उठता है, आखिर आप विजेता की तरह लौटेंगे कब, कैसे? तो आप विजेता की तरह तभी लौट पाएंगे, आप बड़े विजेता की तरह तभी लौट पाएंगे जब पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो अगला है, सबसे पहले वैसे प्रश्नों का उत्तर दे जिसका उत्तर आप बेहतर तरीके से जानते हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भाव यह है कि जब आप प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो सबसे पहले वैसे प्रश्नों का उत्तर लिखें जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं दो चार प्रश्नों का उत्तर सही देख लेंगे, वे संतुष्ट हो जाएंगे आपके जवाब से, तो उनके मानस पटल में आपका वेट बढ़ जाएगा, उनके मानस पटल में आप बेहतर परीक्षार्थी हो जाएंगे, इसलिए वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो पहले जब उनके मस्तिष्क में आपका स्थान बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाद में जो प्रश्नों का उत्तर आप देंगे उसमें भी वो अच्छा नंबर देने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपका वेट उनकी नजर में बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले वैसे प्रश्नों का उत्तर लिखे आप जिसे बेहतर तरीके से जान, और जिसे नहीं जानते हैं बेहतर उसे बाद में लिखेंगे। तो आइए तीसरी बात है, यथासंभव परीक्षा हॉल में काली इंक वाली कलम का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह जमाना कंप्यूटर का है और ब्लू इंक की तुलना में काला इंक काफी बेहतर होता है, इसलिए काला इंक का ही प्रयोग करें। यह मेरा आपसे निवेदन है, सुझाव नहीं निवेदन है। चौथी बात, कृपया प्रश्न संख्या स्पष्ट लिखें, बड़ा थोड़ा बड़ा और स्पष्ट लिखें। जैसे हमको लिखना है, जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं प्रश्न नंबर 4 लिखना है ऐसे कर देते हैं, उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिखने के दो तरीके, या तो आप ऐसे लिखें, या तो आप प्रश्न संख्या लेकर 4 लिखें, या प्रश्न संख्या लेकर 4 लिखें, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बहुत ऐसे प्रश्न 4 लिखे ऐसे लिखे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मूल्यांकनकर्ता होते हैं जिसकी नजदीकियां खराब होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी दूरियां खराब होती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है, आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि सरकार का भी यह दिशा निर्देश रहता है उन लोगों को कि कम समय में अधिक से अधिक कॉपी सही आपको करना है। और जब आप प्रश्न संख्या ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा वैसी स्थिति में बच्चे मारे जाते हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्रश्न संख्या स्पष्ट लिखे, ताकि आपको रिजल्ट के बाद चैलेंज करने का मौका आपको नहीं मिले। अगली बात, परीक्षा हॉल में स्वयं को संतुलित बनाकर रखें। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, जल्दीबाजी में प्रश्न याद रहता है फिर भी
सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, इसलिए संतुलित बनाकर रखने की जरूरत है। और सबसे अंतिम कीमती बात है, चली चलाई कलमों का ही प्रयोग करें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं परीक्षा हॉल में जाते हैं, मान ले आज परीक्षा है, आज ही कलम लिए और जाकर के नई कलम चलाने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि जल्दीबाजी में नहीं चल पाती है और पत्थर में रहता है, बेचैनी तो रहती है और नई कलम की वजह से कॉपियां फट जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो चार कलम ले और एक दो दिन पहले से उसको चला ले, ताकि आपको कभी लिखने में बाधा नहीं आ पावे। ठीक है, जय हिंद।